नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ स्वाति रायना। उम्र 30 की हो या फिर 60 की हो, हर एक मोड पर आपके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग है जरूरी। बस फर्क इतना ही होता है कि जब आप 30s में होते हैं तो आपके लक्ष्य अलग होते हैं, जब आप 60 के हो जाते हैं तब आपकी जरूरतें अलग हो जाती हैं। तो इन दोनों ही उम्र के पड़ावों पर आपको फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी है, कैसे एक दूसरे से अलग है और कैसे इन दोनों ही फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप पूरा कर सकते हैं सही तरीके की प्लानिंग करके, यही बताने के लिए, समझाने के लिए हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट है। हेमंत रुस्तगी, CEO वाइज इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड, और हर्षवर्धन रूंगटा, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर रूंगटा सिक्योरिटीज से। हेमंत जी और हर्षवर्धन, बहुत स्वागत है आप दोनों का के खास कार्यक्रम में। सबसे पहले चलिए 30 से शुरुआत करते हैं। यंग एंड एनर्जेटिक, और उसके साथ ही बहुत सारी लाइबिलिटीज भी जो किसी भी एक इन्वेस्टर को घेरे रहती है, इसलिए समझना जरूरी है हर्षवर्धन कि जब हम 30s में होते हैं और फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो कौन सी ऐसी सबसे पहले बातें हैं, कौन से ऐसे लक्ष्य हैं, कौन सी ऐसी तैयारियां हैं जो किसी को पहले करनी है। वह साथी, आपने बहुत ही अच्छा एक एज ब्रैकेट लिया है, क्योंकि ये एक ऐसी एज ब्रैकेट, अगर हम 30-40 इयर्स की उम्र देखते हैं तो ये ऐसा पड़ाव आता है जहां पे अक्सर लोग है ना अपने करियर में मोर और लेस सेटल होने लग जाते हैं, फैमिली हो जाती है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने लग जाती है अपने ऊपर। तो अगर हम ये एज ब्रैकेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखें तो अगर मान लीजिए फैमिली है तो बच्चों की यू नो हायर एजुकेशन का होगा, आपको शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स ऑब्वियसली रहती हैं क्योंकि आपकी एक फैमिली हो गई है तो आपको इमरजेंसी का एक पर्पस बनाना रहता है। लॉन्ग मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स देखें तो जैसे मैंने कहा कि बच्चों की पढ़ाई का होता है, आपके रिटायरमेंट के गोल्स आ जाते हैं। आपकी अगर एस्पिरेशनल वैल्यूज देखें या फैमिली कंफर्ट्स देखें तो आपको ऑब्वियसली एक गाड़ी हो जाती है माइंड में, आपको घर होता है कि आप घर बना लें अपना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आपको इस एज ब्रैकेट में आती है जो एक ऐसा पड़ाव है जहां पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर आ रही हैं, आप करियर में मोर और लेस सेटल हो जाते हैं। और एडिशनली एक अच्छी बात यह है कि अगर आप कोई भी चीज की प्लानिंग अगर इस पीरियड में करते हैं, मान लीजिए अ लिटिल बिफोर 30 या जस्ट वाइल योर अर्ली 30s, तो आपके पास 15-20 साल होते हैं जब आपकी रिक्वायरमेंट्स आती हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों की पढ़ाई है, रिटायरमेंट है, या उनकी शादी के खर्चे हैं, ये सारे आपको आएंगे 15-20 साल के बाद। तो ये एक ऐसा टाइम पीरियड है कि अगर आप अच्छी प्लानिंग कर लें तो आप छोटी छोटी रकम से एक जो भी आपकी इनकम में से आप सेट असाइड करके आप शुरुआत करते हैं तो उस समय तक आप अपने सारे लक्ष्य को पूरा करने जैसा आपके पास एक पर्पस बन जाता है। बिल्कुल, तो 30 में तैयारी भी जरूरी है और उसके साथ प्लानिंग पूरी हो, आपको अपने जो गोल्स हैं उनको समझना भी बेहद जरूरी है। हेमंत जी, अब हम आइए 30 साल इसको और आगे बढ़ाते हैं और आते हैं 60 पर। यू तो 60 यूजुअली आजकल क्या उम्र हुई 60, लोग तो तभी भी काम कर रहे होते हैं, लाइबिलिटीज अभी भी कई लोगों की 60 तक पूरी हो नहीं पाती है, पर हम ट्रेडिशनली 60 को मानते हैं और वैसे भी लीगली 60 इज द एज ऑफ सीनियर सिटीजन। तो हम इसको प्लानिंग के तौर पर आपसे समझना चाहते हैं कि जैसा हर्षवर्धन ने बताया कि 30 में जो अपनी प्रायोरिटीज होती है फाइनेंशियल प्लानिंग की इन रिलेशन टू योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो अलग होती है, 60 पे कितना अलग हो जाता है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती भी है कई लोगों की लेकिन थोड़ी कम हो जाती है। तो यहां पर आपको आपका फोकस 60 पर फाइनेंशियल प्लानिंग का किन किन जगहों पर होना चाहिए। जी स्वाति, आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है जिसको हम पोस्ट रिटायरमेंट स्टेज अगर हम कहें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट काफी कारणों से है। एक तो ये कि बहुत सारी चीजें जो अपनी वर्किंग लाइफ में नहीं कर सकते वो हम करना चाहते हैं इस समय पे, हमको लगता है कि हम रिलैक्स होंगे या हम जो भी पहले हम नहीं कर सके वो करेंगे, जाहिर सी बात है उसके लिए आपको पैसे की जरूरत है। दूसरी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस स्टेज पे आके आपकी इनकम या तो एकदम बंद हो जाती है या तो कम हो जाती है, डिपेंडिंग ऑन कि आप रिटायरमेंट के बाद कुछ काम करते हैं कि नहीं, किस तरह का आपका पोर्टफोलियो है। लेकिन आपके जो खर्चे हैं, हालांकि मैं कहूंगा कि जो प्री रिटायरमेंट से जो समय के खर्चे हैं और पोस्ट रिटायरमेंट में थोड़ा फर्क आ जाता है, लेकिन इन्फ्लेशन उसके बाद भी है तो वो खर्चे आपके फिर भी बढ़ते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपकी पर्सनल सिचुएशन कैसी है। यूजुअली जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, इस स्टेज पे हम यू नो उम्मीद कर सकते हैं कि आपके काफी सारे जो लाइबिलिटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो पूरी हो गई, लेकिन अगेन वो डिपेंड करता है आपकी पर्सनल सिचुएशन पे। अगर उनमें से कुछ चीजें हैं, बच्चों की पढ़ाई है या तो शादी है
ऐसी कुछ और रिक्वायरमेंट्स हैं जो पूरी नहीं हुई हैं, वो भी आपको उसमें से पूरी करनी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है, और हमने काफी बार देखा है कि ऐसे समय में हमने देखा रिटायरमेंट के बाद एक माइंडसेट के साथ इन्वेस्टर जो अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं कि पैसा सेफ होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए क्योंकि आपकी वो जिंदगी की कमाई है, लेकिन ये ना भूले कि इन्फ्लेशन से आपके खर्चे बढ़ेंगे, आपकी आपको पता नहीं है कि रिटायरमेंट के बाद आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है। तो आप ऐसी सिचुएशन में नहीं होना चाहते कि आपका पैसा खत्म हो गया और आपकी लाइफ अभी भी है। ऑब्वियसली एक इंपॉर्टेंट स्टेज है, शायद जो आपने इन्वेस्टिंग लेसन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सीखे हैं एज एन इन्वेस्टर, उनको पूरी तरीके से इस्तेमाल करने की समय है। बहुत सोच समझ के, ऐसा नहीं है कि जैसे ही रिटायर हुए जो भी ऑप्शन सामने मिली सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन उस पर डाल दिया। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मुझे लगता है हमें पोस्ट रिटायरमेंट स्टेज पे देखने होंगे। तो इंपॉर्टेंट स्टेज, और जो भी डिसीजन ले बहुत सोच समझ। ऑल राइट हर्षवर्धन, तो कौन से ऐसे गोल्स हैं जो एक 30 साल के व्यक्ति के जीवन में अब आने वाले कुछ सालों में आएंगे, और अगर हम ये मान के चलें, हम इसको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान रहे हैं कि अगर माने किसी की मंथली आय 1,00,000 रुपए की है और उनके पास कुछ जरूरी लक्ष्य हैं, जिसको जो हम मान के चलते हैं कि आपके लक्ष्यों में रिटायरमेंट प्लानिंग तो है ही, लेकिन उससे पहले बच्चों की पढ़ाई भी आएगी, बच्चों की शादी भी करनी है, फिर उसके बाद आपको एक अच्छा घर खरीदना है, एक नई गाड़ी भी खरीदनी होगी, बीच बीच में मन करेगा वेकेशन पे भी जाने का, तो सबके लिए पैसों की प्लानिंग की जरूरत जरूरी है। तो अगर माने 1,00,000 की किसी की मंथली आय है, तो वो कैसे प्रपोर्शन में अपनी सेविंग को रखे और किस प्रपोर्शन में इन लक्ष्यों को पूरा करने की सोच सकते हैं? तो देखिए साथी, अगर हम 1,00,000 रुपए कमाने वाले इंसान की अगर एक प्रोफाइल समझें और कोई भी एक इंसान की सेविंग्स रेशियो टू इनकम रेशियो देखें, तो करीबन 20-30% अगर कोई आदमी अपनी इनकम का बचाता है तो बहुत अच्छा माना जाता है। तो मान लीजिए ये इंसान है जो 1,00,000 रुपए महीना कमाते हैं, और उनकी जो सामने प्रायोरिटीज हैं और जो गोल्स हैं वो हम एक बार लिस्ट करेंगे। तो शुरुआत में ये होगा कि अगर 1,00,000 रुपए कमा रहे हैं तो उनकी अगर सेविंग्स 20-30% समझते हैं तो करीबन 20-30,000 रुपए महीने का बचाते हैं वो। अब इसे हम फाइनेंशियल प्लानिंग अगर शुरू करना चाहते हैं तो पहले वो जो ये इंडिविजुअल है ये अपने सारे गोल्स को एनलिस्ट करेंगे, और गोल्स एनलिस्ट करते वक्त ये नहीं देखेंगे मैं कितना रियलिस्टिक है, कितना हो सकता है, ये स्टेज पे नहीं होगा। इस स्टेज पे इन्हें सिर्फ एक चीज करनी है कि इन्हें इनकी विश लिस्ट बनानी है कि क्या क्या मुझे अचीव करना है, कब तक अचीव करना है और कितना मुझे हर एक गोल का लगेगा। तो मान लीजिए वो बात कर रहे हैं चिल्ड्रंस एजुकेशन की, तो मुझे कितना टाइम है उस एजुकेशन के फंडिंग के लिए, और जब वो एजुकेशन की फंडिंग करनी होगी तो लगभग कितना रुपया लगेगा। सेम चीज रिटायरमेंट, सेम चीज कोई और लक्ष्य हो तो ये आपकी पहले तो एक विश लिस्ट बनती है। अब आप क्या करेंगे, आप ये देखते हैं कि मैं महीने का मान लीजिए 20,000 या 30,000 रुपया बचत करता हूं, अब ये पैसे को मैं कैसे एलोकेट करूं। तो आप अभी प्रायोरिटाइज करना शुरू करेंगे, पहले तो आपने लिस्ट बनानी सारी चीजों को लेके, लेकिन अब आपको ये देखना होगा कि मैं क्या क्या चीज को प्रायोरिटाइज कर सकता हूं और उन्हें मैं पहले अटेंड करूंगा, और जो चीज मुझे कम प्रायोरिटी है या कम इंपॉर्टेंट है, लेस इंपॉर्टेंट है, वो मैं बाद में अटेंड करूंगा। तो सीक्वेंस में अगर हम देखें कि एक फाइनेंशियल प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें क्या करना चाहिए, तो एक फैमिली है मान लीजिए, पहला चीज जो आपको करना है वो आपको अपनी एक सारी इंश्योरेंस जो है रिस्क मैनेजमेंट है वो पूरा कर लेना है। तो उसमें आपका टर्म इंश्योरेंस हो गया, उसमें आपका हेल्थ इंश्योरेंस आ गया पूरी फैमिली का, जितना मेडिक्लेम टाइप की पॉलिसी लेते हैं, अगर आपके एम्प्लॉयर आपको इंश्योर करें तो भी आप अपने आप से खरीदना आपके लिए बेटर होगा। डिसेबिलिटी इंश्योरेंस जो पर्सनल एक्सीडेंट क्रिटिकल इलनेस पॉलिसीज है, ये सारा पहले तो आप इंश्योरेंस बास्केट पूरा करेंगे, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। आप शुरुआत करते हैं इंश्योरेंस सारे अच्छी तरह से लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मान लीजिए कि एक एस्टिमेट लगाते हैं कि करीबन 5,000 रुपया महीने का आपका ये सारी इंश्योरेंस पॉलिसी इसमें लग जाएगा, तो आपके पास जो सरप्लस था जो आप महीने का बचाते हैं उसमें से फर्स्ट स्टेप होगा कि आप इंश्योरेंसेस खरीदें, जिसका करीबन 5,000 रुपया महीना आसपास आपका खर्चा एक एस्टिमेट लगाते हैं हम। फिर सेकेंड आता है कि आप इमरजेंसी किटी बनाइए हमारा अपना। तो इमरजेंसी किटी क्या होता है कि एक आइडियल इमरजेंसी किटी की अगर हम बात करें तो करीबन 3 महीने की आपकी जो इनकम है या आपके खर्चे हैं, तो हम ऑन द टॉपर साइड लेते हैं कि आपकी जो सालाना इनकम है उसका हर महीने की जो इनकम है उसकी 3 महीने जितना आप अपने एक इमरजेंसी किटी बनाएंगे कि कभी ना कुछ जरूरत पड़े तो आपके पास वो फंड अवेलेबल होना चाहिए। तो इस एग्जाम्पल में आपके पास 3,00,000 रुपए आपको इमरजेंसी किटी बनाना है। अभी 3,00,000 रुपए आप तुरंत तो बना नहीं पाएंगे,
तो आपको क्या करना होगा, इसको थोड़ा प्रायोरिटी पे देना होगा और ये देखना होगा कि मैं जितना जल्द से जल्द हूं 3 महीने जितना कॉर्पस बना लूं। तो अगर आप इसी 20,000 से 30,000 के बीच में से आप जमा कर रहे हैं तो करीबन 10,000 रुपीज आप एलोकेट करेंगे टुवर्ड्स क्रिएटिंग इमरजेंसी कॉर्पस। तो ये इमरजेंसी कॉर्पस अगर आप 10,000 रुपए से भी स्टार्ट करते हैं करीबन आपको 2.5 से 3 साल के अंदर आपका ये इमरजेंसी कॉर्पस फिर भी उतना टाइम लगेगा और ये बन जाएगा। अब तीसरा लेवल क्या पाएंगे जो आपका अब हर्षवर्धन मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा पॉज करूंगी, मैं आपको थोड़ा पॉज यहाँ पर करूंगी। आपने यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट की बात की कि हमें सबसे पहले अपना रिस्क मैनेजमेंट पूरा करने की जरूरत है। माने आप 1,00,000 रुपए कमा रहे हैं, आपको कम से कम उससे 20 से 30% यानी कि 20 से 30,000 रुपए तक आपको निवेश करना है और उस निवेश में से आपको अपने तमाम गोल्स को हर एक गोल के प्रति एक अमाउंट रखना है। रिस्क मैनेजमेंट सबसे पहले पूरा करें जिसमें इमरजेंसी प्लानिंग आ गई और इंश्योरेंस प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये कुछ ऐसे गोल्स में से हैं जो आपके ऐसे गोल हैं जो आपको पूरा करना ही करना है। उसके बाद के गोल्स पर मैं आऊं, उससे पहले हेमंत जी मैं आपसे जानना चाहती हूं, आपने बता दिया कि 60 आप हो गए हैं, 60 के बाद आपको कैसे प्लानिंग करने की जरूरत है। अब यहां पर ये समझना जरूरी है कि जब हम 60 के हो जाते हैं तो हमें रेगुलर आय की भी जरूरत है और हमें अपने पैसे से पैसा भी बनाना है, मतलब कैपिटल अप्रिसिएशन भी चाहिए, ग्रोथ भी चाहिए रेगुलर आय के साथ साथ। तो उसमें आपको कैसी प्लानिंग लग रही है? अगर मानिए आजकल के टाइम में एक सीनियर सिटीजन को रेगुलर आय चाहिए, हाल ही में हमने देखा कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को तो और बहुत ज्यादा आकर्षक बना दिया गवर्नमेंट ने, बजट में उसके अधिकतम निवेश सीमा भी बढ़ा दी, उसमें इंटरेस्ट ब्याज भी जो अब ज्यादा मिलेगा, तो वो एक तरीका है। स्मॉल सेविंग स्कीम में अगर मैं सिर्फ शुरुआत में आपसे जानूं तो कौन सी ऐसी स्कीम है जो कि अभी फायदा दे सकती है रेगुलर आय के तौर पर सीनियर सिटीजन्स को? जी स्वाति, आई थिंक फॉर्चुनेटली ऐसी 2-3 काफी अच्छी ऑप्शंस हैं जहां पे स्पेशली उन इन्वेस्टर्स के लिए जो रेगुलर इनकम लेना चाहते हैं और बहुत ज्यादा रिस्क अपने कैपिटल में नहीं लेना चाहते। पर उससे पहले क्विकली एक चीज यहाँ पे कहना चाहूंगा कि जब आपको रिटायरमेंट कॉर्पस जो मिलता है आप अपनी 2-3 चीजों को पे आपको पूरा ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है जैसे आपने कहा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, इनकम रिक्वायरमेंट है, ग्रोथ है या दोनों है, आपका जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो मिक्स है वो कैसा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो चुनेंगे वो काफी हद तक उस पर भी डिपेंड करेगा कि आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो क्या है, क्या वो ट्रेडिशनल ऑप्शन में पैसा लगाया है या आप मार्केट लिंक प्रोडक्ट जैसे म्यूचुअल फंड्स है या मार्केट्स है उससे फेमिलियर है, आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये जो कॉर्पस आपको मिला है उस पर कितने डिपेंडेंट है आप अपनी इनकम के लिए। मान लीजिए आपको अगर 40,00,000 का कॉर्पस मिलता है और आपकी मंथली रिक्वायरमेंट जो है वो 30,000 है तो करीब करीब आपको 3,60,000 चाहिए एक साल में पोस्ट टैक्स, यानी आपको 9% का पोस्ट टैक्स रिटर्न बनाना होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जानने के लिए क्योंकि ये आपको बताएगा कि वाकई में ये फिजिबल है कि नहीं है, अगर फिजिबल बनाना है तो कितना रिस्क आपको लेना पड़ेगा। चौथी इंपॉर्टेंट चीज लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या आपको इसमें से कुछ पैसा आगे जाके कुछ लगेगा, क्योंकि ये सब फैक्टर्स को अगर आप ध्यान में नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं अपने पोर्टफोलियो पे कंप्रोमाइज करेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान रखना है। ऑफकोर्स आपका जो टैक्स रेट है वो कितना है क्योंकि पोस्ट टैक्स जो रिटर्न है वो काफी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ऑप्शन में आपने कहा बिल्कुल सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की अगर हम बात करें उसमें आपको अभी 8% रिटर्न मिलता है और अभी जो लिमिट था वो 15,00,000 था इंडिविजुअली और जॉइंटली आप 30,00,000 तक इन्वेस्ट कर सकते थे लेकिन यूनियन बजट में उसको बढ़ा के 30,00,000 कर दिया गया है इंडिविजुअली, तो ऑब्वियसली अगर आप जॉइंटली करते हैं तो कहीं ज्यादा पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी ऑप्शन है जहां पे आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलता है, ये 5 साल की स्कीम है। उसके अलावा पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम है जहां पे आपको 7.1% मिलता है, इससे पहले आप सिंगली जो है वो 4.5 लाख कर सकते थे, जॉइंटली 9 लाख, अब यूनियन बजट में उस लिमिट को फिर से बढ़ा दिया गया है, उसमें आप 9 लाख इंडिविजुअली कर सकते हो और 15 लाख जो है आप जॉइंटली आप कर सकते हो। तीसरी ऑप्शन मुझे लगता है काफी अच्छी ऑप्शन जो है जो 31 मार्च 2023 तक जो रिटायरीज है उसको कंसिडर कर सकते हैं, वो है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना जहां पे 7.4% मंथली इंटरेस्ट मिलता है। तो मुझे लगता है कि उसमें भी आप देखिए 15 लाख सिंगली डाल सकते हैं, 30 लाख जॉइंटली आप डाल सकते हैं, तो मान लीजिए अगर आप 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो करंट रेट के हिसाब से आपको 9,250 रुपीज का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ये तीनों ही ऑप्शन में जो रिटर्न आपको मिलेगी वो टैक्सेबल है, आपको पोस्ट टैक्स रिटर्न देखना है। तो ऐसा मैंने कहा ऑप्शंस हैं आपके पास बट कुछ फैक्टर जो मैंने कहा वो कंसीडर करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि ग्रॉस रिटर्न ही नहीं बल्कि पोस्ट टैक्स रिटर्न भी उतनी इंपॉर्टेंट है और कुछ और फैक्टर जैसे लिक्विडिटी होगी, आपकी जो रिक्वायरमेंट है जैसा मैंने शुरुआत में कहा
आपकी जो पर्सनल सिचुएशन है उन सब फैक्टर्स को ध्यान में रख के ही आप इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को चुनिए। ओके, तो 30 और 60 में कैसे मुनाफा आप कमा सकते हैं, इन दोनों ही उम्र के प्लानिंग हम करा रहे हैं। एक ब्रेक का वक्त भी हो गया है, तुरंत लौटते हैं और बातचीत आगे बढ़ाएंगे, बने रहिए हमारे साथ। तीस और साठ, इन दोनों उम्र के पड़ाव पर कैसे हो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग, इस पर कर रहे हैं चर्चा हेमंत रुस्तगी और हर्षवर्धन रुंगटा हमारे साथ है। हर्षवर्धन, रिस्क मैनेजमेंट का ख्याल रख लिया जो 30s में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब एक और जो हम फिक्स्ड गोल कहते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि आप इनसे ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, चाहे कोई भी आप पे इमरजेंसी ही क्यों ना आ जाए, मतलब बहुत ही कोशिश करनी चाहिए कि नहीं ही करना चाहिए, वो है रिटायरमेंट प्लानिंग और उसके साथ ही बच्चों की पढ़ाई की प्लानिंग, क्योंकि दोनों फिक्स टाइम पर आएंगे। तो इन दोनों ही जो गोल्स है इनकी प्लानिंग एक 30s में जो एक व्यक्ति है उसको कैसे करनी चाहिए, क्योंकि हम बात कर रहे थे किसी का अगर 1,00,000 का सालाना इनकम उन्हें मिलती है तो उसमें रिटायरमेंट प्लानिंग और बच्चों की पढ़ाई की प्लानिंग के लिए कितना हिस्सा हो। तो आपने एकदम सही कहा स्वाति कि रिटायरमेंट प्लानिंग और किड्स एजुकेशन, चिल्ड्रन की जो हायर एजुकेशन की जो रिक्वायरमेंट्स है, ये बहुत टाइम बाउंड होती है और ये नॉन नेगोशिएबल गोल्स हैं, इन द सेंस कि आपको इनके लिए प्रोवाइड करना ही है और उस समय ही प्रोवाइड करना जब ये ड्यू होती है। जब आप रिटायर होंगे तो आपको पैसे चाहिए, जब बच्चे एक फलाना उम्र के हो जाएंगे कि उन्हें 18 साल की उम्र में या 21 साल की उम्र में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए पैसे चाहिए तो आपको उस समय ही चाहिए। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गोल्स हैं। तो पहले जो आप रिस्क मैनेजमेंट के एलोकेट के जो हमने उदाहरण लिया था, वो 5,000 रुपए आपने मान लीजिए रिस्क मैनेजमेंट के लिए रखे, 10,000 रुपए आपने रिटायरमेंट किटी बनाने के लिए रख लिया, तो बाकी के जो पूरे पैसे हैं, जो मान लीजिए 15,000 रुपए आप 30,000 रुपए महीने का बचा रहे हैं, तो 15,000 जो रुपए हैं वो आप जब कैलकुलेशन करेंगे कि रिटायरमेंट में आपको कितने रुपए चाहिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए कितने चाहिए, तो ऐसे लगेगा कि ये पूरे पैसे आप वहीं एलोकेट कर रहे हैं, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट्स उतनी बड़ी होती है और फिक्स रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये पैसे आप देखेंगे कि जो बचता है वो आप इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। आपके पास 15-20 साल हाथ में अगर है तो जो एसेट क्लास आप यूज करेंगे वो आप कोशिश करेंगे कि आपके पैसे ग्रो करें, ना कि वो कैपिटल सेफ्टी पे ध्यान देता है जहां आपको 6-7% ब्याज मिल गया। तो नेचुरल सी बात है कि आप इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में इन्वेस्ट करेंगे जिसमें पैसे शेयर्स में लग रहे हैं, जो इक्विटी मार्केट में लग रहे हैं। आप हाइब्रिड स्कीम ले सकते हैं जिसमें डेट इक्विटी एलोकेशन होता है। आप थोड़ा कमोडिटीज में रखेंगे जैसे गोल्ड हो गया आपके पोर्टफोलियो में। तो ये बेसिकली एक एसेट एलोकेशन प्लान जो आप अपना बनाएंगे उस बेसिस पे आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन को ध्यान में रखते हुए आप इन्वेस्ट करेंगे। तो उसमें आपको SIP के जरिए अगर शुरू करें तो मार्केट वोलेटिलिटी को आप मैनेज करते हैं। तो ये आपके एक लाइन ऑफ एक्शन बनता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्क मैनेजमेंट, इमरजेंसी किटी एंड देन रिटायरमेंट एंड चिल्ड्रंस एजुकेशन। इसके बाद अगर आपको कुछ प्रायोरिटी पे आती है, जैसे मैं शुरुआत में बात की थी कि आपके गाड़ी खरीदने का सपना हो सकता है, घर खरीदने का, आपके बच्चों की शादी का, तो मैं शादी भी मैं एक लोअर रैंक गोल में डाल रहा हूं क्योंकि एजुकेशन रिटायरमेंट आर मोर इम्पोर्टेंट। तो इसके बाद जो अगर बचता है तब आप जाके इन गोल्स के लिए प्रोवाइड करना शुरू करें। कि जो आपने कहा कि बच्चों की पढ़ाई और जो रिटायरमेंट प्लानिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट गोल्स हैं। शादी का आजकल का जो सिस्टम हो भी गया आजकल के जेनरेशन के साथ, आजकल बच्चे अपनी शादी में खुद उसको खुद फंड करना चाहते हैं। पेरेंट्स डेफिनेटली सोचते जरूर हैं, लेकिन आजकल वो कॉन्सेप्ट एक्चुअली काफी ज्यादा बदल गया, इसलिए पेरेंट्स सोचते हैं बच्चे को अच्छे से पढ़ा लिखा लेते हैं उसके बाद देखते हैं ये गोल वो कब खुद पूरा करना चाहेंगे। मैं हेमंत जी आपके पास आ रही हूं और ये जानना चाहते हैं आपने रेगुलर आय की जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ बेहतरीन ऑप्शंस बताए सेविंग स्कीम से, लेकिन माफ कीजिए म्यूचुअल फंड में ही एक बेहतरीन ऑप्शन है SWP का भी, जिसमें लोग कहते हैं कि क्या फायदा हो सकता है एक SWP से रेगुलर आय लेने का। एक बहुत ही छोटा डिस्कशन मैं आपसे करूंगी कि किसी को SWP करनी है अगर तो कौन से फंड से करना सही रहता है और इसके फायदे क्या हैं अभी सीनियर सिटीजन के लिए एज कंपेयर टू फॉर एग्जांपल मानिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हो गया जिसमें 8% का ब्याज मिल रहा है। जी स्वाति बिल्कुल, आई थिंक जो तीन हमने ऑप्शन की बात की थी, हमने कहा था उन इन्वेस्टर्स के लिए बिल्कुल सही ऑप्शन है जो चाहते हैं थोड़ा कंजर्वेटिवली इन्वेस्ट करें और जिनकी इनकम रिक्वायरमेंट शायद बहुत ज्यादा ना हो, तो पोस्ट टैक्स रिटर्न में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हमने कहा था कि आपके कैपिटल वहां पे सेफ है, आपको गारंटेड रिटर्न मिलते हैं, तो वो उन इन्वेस्टर्स के लिए ठीक था। लेकिन अगर आप ऐसे निवेशक हैं रिटायरमेंट के बाद भी आप चाहते हैं आपका पैसा थोड़ा ग्रो करे, आपकी रिक्वायरमेंट थोड़ी ज्यादा, हमने एक एग्जांपल दिया था
कहीं ना कहीं आपके जो पोस्ट टैक्स रिटर्न अगर आप ज्यादा लेना चाहें तो फिर वहां पे ये जो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान है म्यूचुअल फंड का, ये काफी अच्छी ऑप्शन है। इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजों का आपको ध्यान रखना है, एक तो ये कि जो आप फंड चुन रहे हैं वो क्या चुन रहे हैं, तो उसमें आप चाहे तो आप हाइब्रिड फंड के डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जैसे बैलेंस एडवांटेज फंड है या फिर एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है या फिर इक्विटी सेविंग्स फंड है, इन इस तरह के ऑप्शन को चुने। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान का मतलब ये है कि आप इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप एक मैंडेट देते हैं म्यूचुअल फंड को कि आप एक फिक्स अमाउंट एक प्री डिटरमिन्ड डेट को आप रिडीम करके हमको दे दीजिए, जिसको आप एक रेगुलर इनकम की तरह ट्रीट करते हैं। और क्योंकि ये जितने भी मैंने आपको बताए जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हाइब्रिड फंड जो मैंने बताए, वहां पे जो टैक्सेशन है वो इक्विटी का, यानी एक साल के बाद जो कैपिटल गेन होता है उस पर सिर्फ 10% टैक्स लगता है। तो आप अगर हायर टैक्स ब्रैकेट में है तो आपकी जो रिटर्न है पोस्ट टैक्स रिटर्न बेटर होगी, और क्योंकि आप मार्केट लिंक प्रोडक्ट में है तो आपकी रिटर्न भी ओवरऑल वहां से बेटर होगी। तो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान आपको इंश्योर करता है कि ये फिक्स अमाउंट इनरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप किसी मार्केट लिंक प्रोडक्ट में है वो आपको मिलता रहे। आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको चुनना है कि कितना पैसा आप निकालेंगे, ऐसा नहीं कि आप 9-10% निकाले तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली आप कैपिटल से पैसा निकालना शुरू करेंगे, वो ध्यान रखिए। और बहुत ही टैक्स एफिशिएंट है क्योंकि 1,00,000 तक आपको कैपिटल गेन नहीं पे करना है और उसके ऊपर भी सिर्फ 10% कैपिटल गेन देना है। तो ये काफी अच्छा मैकेनिज्म है, काफी अच्छा मीडियम है उन निवेशकों के लिए जो चाहते हैं आपका पैसा ग्रो भी करे और रिटर्न भी बेहतर मिले और उसमें कोई टेंशन ना हो उनको कि पैसा मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा हर महीने। तो ये उस हिसाब से मुझे लगता है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो थोड़े अटेंडेंट रिस्क को समझ के बिल्कुल थोड़ा सा मार्केट रिस्क में अगर जाके आप उससे ले सकते हैं, लेना चाह रहे हैं रेगुलर आए, तो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान एक बेहतरीन तरीका है। हर्षवर्धन, आपने आप यहाँ पर मेंशन कर रहे थे कि कुछ ऐसे लक्ष्य होते हैं जो वेरिएबल होते हैं, मतलब वो थोड़ा सा हम इसको खिसका भी दे सकते हैं आगे। खिसकाना मतलब ये कि उसका टाइम पीरियड आगे बढ़ा सकते हैं एज एंड व्हेन हमारी जरूरत होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि गाड़ी और घर, ये दो ऐसे गोल्स हैं जो आपको बहुत अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि जो नियर टर्म गोल्स होते हैं हमेशा आपको अट्रैक्ट ही करते हैं। आपको लगता है कि अरे ये गोल तो बहुत दूर है, इसके बारे में सोच लिया जाएगा। इसलिए घर और गाड़ी की प्लानिंग में किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है, और अगर मानिए किसी को चाहिए ही फंड एलोकेट करना ही है, तो कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि घर के लिए या गाड़ी के लिए आप कहीं से फंड एलोकेट करें, यहाँ कहीं से कोई फंड शिफ्ट कर ले, या आपको लगता है कि लोन भी तो अवेलेबल हो सकता है घर लेने के लिए, गाड़ी लेने के लिए वो भी अच्छा है तरीका हो सकता है, तो सही तरीका क्या हो ऐसे एक वेरिएबल लक्ष्य को पूरा करने के लिए? तो देखिए स्वाति, ये बात सही है कि हमें जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन होता है ना कि हमें तुरंत की चीजें दिखती है कि भाई पहले ये कर लें, और अभी हमारे पास 15-20 साल हैं जो हम देख लेंगे आगे जाते हुए हम जमा कर लेंगे। तो ये एक एक्चुअली एक ट्रैप है। अगर आप देखें तो जैसे मैंने लिस्ट किया कि पहली जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो आपको पूरी करनी ही है, उसमें चॉइस नहीं है, तो सिर्फ चार चीजें हैं। वन इज, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, एक है रिस्क मैनेजमेंट, सारे इंश्योरेंसेज आप ले लें, इमरजेंसी किटी बनाएं, रिटायरमेंट प्लानिंग एंड बच्चों की हायर एजुकेशन। ये चार की अगर आपकी प्रोविजनिंग हो गई है तो इसमें आप छेड़खानी नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि ये एक एक्चुअल बेसिस है जिसपे आपकी पूरी फैमिली की फाइनेंशियल डिपेंडेंस है। तो ये चार चीजें होने के बाद अगर आपकी लिक्विडिटी बचती है तो आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तरफ जरूर जाइए। मतलब आप वेकेशन लेना चाहते हैं, ये बनता है हक आपका कि आप वेकेशन लें, और एक्चुअली जरूरी भी है। आपकी अगर गाड़ी की रिक्वायरमेंट है या एस्पिरेशन है, ये आपको थोड़ा देखना होगा कि क्योंकि आप फाइनेंशियल कहीं ना कहीं स्ट्रेच कर रहे होंगे। घर आपको ये इवैल्यूएट बहुत स्ट्रांगली करना होगा, क्योंकि अगर आप घर लेने की तरफ जाते हैं और आप अगर लोन के ले रहे हैं तो इनवेरिएबली हमने एक चीज देखा है कि आपकी मोटा मोटी जो आपकी इनकम है लगभग 40-50% तो आपका ईएमआई में ही चला जाएगा। तो बहुत केयरफुली आपको ये सोचना होगा कि क्या मैं इन चार चीजों को कॉम्प्रोमाइज करके घर बना रहा हूं, तो शायद आपको वो ठीक नहीं होगा। लेकिन आपकी अगर लिक्विडिटी आपको परमिट करती तो बेझिझक आप क्यों ना अपने पैसे को यूज करें। तो यस, एज फार एज हाउस, बिल्कुल इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के जो गोल है उनको पूरा करने के लिए आपको थोड़ा सा और स्पेशल प्लानिंग करने की जरूरत है। समय थोड़ा कम है, इसलिए हेमंत जी आपसे मैं थोड़ा सा नेक्स्ट में आज जानना चाहूंगी कि हम इक्विटी की बात करें कि 30s में आप इक्विटी में निवेश कीजिए, लेकिन 60 के बाद वाले जो निवेशक है वो कह रहे हैं भाई हम भी तो कर सकते हैं इक्विटी में निवेश, तो तरीका क्या सही है थोड़ा नेक्स्ट में बताइएगा, कौन से कैटेगरीज ऐसे उम्र के निवेशकों के लिए सही आपको लगती है?
देखिए स्वाति, मेरा बिल्कुल ये मानना है कि रिटायरमेंट के बाद भी आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी एक्सपोजर चाहिए। मैंने जैसा कहा उसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं। म्यूचुअल फंड में आप चाहे तो हाइब्रिड फंड में जा सकते हैं, कुछ कैटेगरीज मैंने ऑलरेडी वहां पे कहा। और अगर हम प्योर इक्विटी फंड्स की बात करें तो तीन कैटेगरी मुझे लगता है जहां पे जो रिटायरमेंट के बाद आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं, ये मानते हुए कि इक्विटी खुद से जो है एक एग्रेसिव एसेट क्लास है। जैसे लार्ज कैप फंड्स होते हैं, फ्लेक्सी कैप फंड जहां पे बायस अगेन लार्ज कैप के ऊपर होता है, और एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी। ये तीन कैटेगरी ऐसी हैं जहां पे आप अच्छे से अपना जो एलोकेशन है डिफरेंट सेगमेंट में कर सकते हैं, और अच्छे कंसिस्टेंट फंड अगर आप चुने तो जाहिर सी बात है कि ओवर ए लॉन्गर पीरियड, क्योंकि आप ये ना भूलें कि कैपिटल सेफ्टी अगर जरूरी है तो इन्फ्लेशन को बीट करना भी रिटायरमेंट के बाद बहुत ही जरूरी है। तो इक्विटी होना चाहिए, वो आप चुन सकते हैं कि चाहे आप डिपेंडिंग ऑन एक्सिस्टिंग पोर्टफोलियो या तो आप प्योर इक्विटी में जाए या तो हाइब्रिड में जाए, लेकिन इक्विटी का रोल डेफिनेटली रिटायरमेंट के बाद कंटिन्यू करना। ओके, तो 30 और 60 दोनों ही उम्र के पड़ावों पर आपको कैसे करनी है प्लानिंग पैसों की, इस पर चर्चा करने के लिए हेमंत जी, हर्षवर्धन दोनों का करेंगे धन्यवाद। मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही, वक्त एक ब्रेक का है, देखते रहिए जी बिजनेस।